चक्रव्यूह बन गया है वक्त के मुहाने पे। इसमें से होके तुमको है निकलना, सूर्य बन के आगे बढ़ो हिंद नौजवानों। रंजन, रंजन। हाँ, कौन है? अच्छा, तुम हो? नमस्ते आंटी। तुम लोग बाहर लॉन में बैठो, मैं उसे वहीं भेजती हूँ। लक्ष्मी, कुर्सी बाहर लगाओ। क्या बात है मेम साहब? बोले तो बड़े गुस्से में दिखती हैं आप। सुबह सुबह जन का मनुष्य चेहरा देख लिया, अब पूरा दिन मनुष्यत में गुजरेगा। विजय आया है। माँ, कहाँ है विजय? आपने उसे बैठाया नहीं? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हम उच्च कुल के लोग हैं। विजय को घर के अंदर बैठाना ठीक नहीं है। उसे अंदर बुलाकर क्या मैं अपना घर अपवित्र करूंगी? वो और रचना बाहर लॉन में बैठे हैं। मगर रचना भी तो दूसरी जाति से है। रचना की बात और है, रचना अच्छे खानदान से है। उसके खानदान की समाज में इज्जत है। उन लोगों का बचपन से हमारे घर में आना जाना है। माँ, आप भी न जाने किस युग में जी रही हैं। विजय के पिता, आपको मालूम है, डिप्टी कलेक्टर हैं। उनका स्तर किसी भी मायने में हमसे कम नहीं है। और जहाँ तक विजय का सवाल है, वो हमारी क्लास का सबसे होशियार लड़का है और मेरा जिगरी दोस्त भी है। आप तो डबल स्टैंडर्ड की बातें करती हैं और आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अपना लेक्चर बंद कर और जा, पर मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। मेरे जीते जी ये घर अपवित्र नहीं हो सकता, और अगर तुझे कुछ करना है तो मेरे मरने के बाद करना। आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। विजय एक नेकदिल लड़का है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। बेटी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? शायद तुम नहीं जानती, हमारे समाज में जात पात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और एक रंजन है वो समझता ही नहीं। खैर, छोड़िए इन बातों को, अभी तो हमें कहीं जाना है। हाँ, आप हमारे घर जरूर आइएगा, मुझे और मेरे घर वालों को बहुत खुशी होगी। अरे, आज तो छुट्टी है, तुम लोग कहीं जा रहे हो? बस यहीं घूम फिर कर आते हैं। चलो रचना। रंजन। जी मम्मी। बेटा अपना ख्याल रखना। जी मम्मी। आप चिंता क्यों करती हैं? यार विजय, तूने माँ की बात का बुरा तो नहीं माना? नहीं यार, माँ बड़ी हैं, आदरणीय है, उनकी बातों को क्या बुरा मानना। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं।
गुड मॉर्निंग मैडम। रंजन कहाँ थे अब तक? टाइम से अपना कार्ड तो रिन्यू करा लेते। सॉरी मैडम। अब से ऐसी लापरवाही बिल्कुल मत करना। जी मैडम। यहाँ साइन करो। यहाँ पर साइन करो। हाँ ये आपका कार्ड। थैंक यू मैडम। हाय विजय। हाय। हाय रचना। हाय। यार रंजन, तूने लाइब्रेरी कार्ड रिन्यू कराया या नहीं? वो तो हो गया यार, लेकिन हाँ कल रात टीवी पर मेरी बड़ी पसंदीदा फिल्म आ रही थी, उसे देखने के चक्कर में मैं आज के टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाया। क्या रंजन, तुम भी हद करते हो। ये बात मैंने हमेशा नोट की है, 11th आवर में विजय की मदद लिए बिना तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। आखिर भंवर में फंसे दोस्त के काम तो उसका दोस्त ही आएगा ना, और वैसे भी मेरा संकट मोचन तो विजय ही है, ये मुझे समझा देता है और मेरा इंटेलिजेंट माइंड एक सेकंड में समझ भी लेता है। चल चल, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, तो ये वाली प्रॉब्लम बताना। ओके डन यार, फ्रेंडशिप जिंदाबाद। चलो यार। हाँ आज तो हलाल होते होते बच गया, एग्जाम में वही क्वेश्चन आया ना जो मैंने लास्ट मोमेंट में समझाया था। हाँ रंजन ने तो बाजी मान ली, मैं देख रही थी वो सपली पे सपली भर रहा था। एवन पेपर गया है, उम्मीद है मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन तुझे याद है ना आज शाम को मैच है अपना, और रचना को लेकर मेरे घर आ जाना। और रचना तुम तो चल रही हो ना, आखिर तुम हमारी लकी चाम हो। हाँ हाँ मैं तो चल रही हूँ। विजय तो मुझे घर से पिकअप कर लेना, फिर अपन साथ रंजन के घर चलेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं यार मैं तेरे घर नहीं आना चाहता, मेरे प्रति तेरे घर वालों का व्यवहार बड़ा अजीब सा लगता है। कभी कभी तो मुझे अपने वजूद पर शक होने लगता है, ऐसा लगता है एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट, बड़ी कोप्त होती है। अरे यार जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम, इस फिलॉसफी को शायद अभी तक तुम नहीं समझ पाए। छोड़ो यार ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि मेरे घर वाले किस सदी में जी रहे हैं, लेकिन क्या तुझे मेरी दोस्ती पर शक है? नहीं यार, दोस्ती के खातिर तो मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर तू जरा सोच, आज से 50 साल पहले भी कोई मेरे दादा परदादाओं का हिमायती रहा होगा, उसने भी ये बात कही होगी जो आज तू कह रहा है। पर क्या हुआ, आज भी हमारे लोग वही जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं जो कभी हमारे दादा पर दादा जिया करते थे। मेरे दोस्त तू मायूस ना हो, सबको सवर जाएगा, एक नया सवेरा नई रोशनी अंधेरा दूर कर देगी। रंजन रचना क्या यह सच नहीं कि तुम जैसे कदम के छांवदार पेड़ उस बबूल की पेड़ की तरह नहीं जो दो कदम चलने पर मिल तो जाते हैं पर छांव तो रही दूर घाव दे जाते हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं। खैर छोड़ो, क्या तुम दोनों मेरे साथ घर चल रहे हो? क्यों? माने आज स्पेशल खीर बनाई है। खीर? और तुम्हें भी बुलाया है। खीर तो मेरी पसंदीदा डिश है। खीर का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चलो चलो चलें। अच्छा चलो चलते हैं। अरे चलो ना, रुके क्यों हो? हाँ चल रहे हैं, आओ। हेलो दीदी। अरे हाय दीदी, आओ आओ बैठो बैठो। आप बैठिए ना। हाँ तुम लोग बैठो तो। और मम्मी कैसी हैं आप? विजय लोग आ गए।
बस ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया दीदी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते आंटी। बैठो बैठो। आप बैठो ना बेटा। कैसे हो? ठीक है। बहुत दिनों बाद आना हुआ। वो तो आज विजय ने बताया कि आपने खीर बनाई है, तो हम लोगों से रहा नहीं गया। आंटी मुझे तो बहुत पसंद है खीर, इसलिए तो तुम लोग को बुलाया था। माँ जल्दी लाओ, मैं लेके आ रही हूँ, जरा बैठो। बहुत भूख लगी है। और बहुत बिजी थे, काफी दिनों बाद आना हुआ। एग्जाम एग्जाम जो चल रहे थे, कैसा हुआ तुम लोगों का एग्जाम? रंजन ने तो सपली पे सपली भरी है। अरे वाह, तब तो मेरिट में आने वाले हो इस बार। मेरिट में और मैं, ये तो एक जोक से कम नहीं। ये लो आ गई तुम्हारी। ये लो खीर ले आई मैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। आंटी जल्दी सर्व करिए। दे रही हूँ बेटा। विजय ने मुझे बताया कि तुम लोगों को खीर बहुत पसंद है। मैंने कहा क्यों ना तुम्हें घर बुलवा लिया जाए, वैसे भी तुम लोग बहुत दिन बाद आ रहे हो। एग्जाम की तैयारी में थोड़ा बिजी थे। थैंक यू आंटी। तुम भी लोगे बेटा? हाँ मम्मी, थोड़ी सी। मम्मी आप भी लो। मजा आ गया। थैंक यू आंटी, मुझे तो और चाहिए। आंटी आप बहुत अच्छी कुक हैं। सच बात तो यह है कि खीर मैंने नहीं, नताशा ने बनाई है। मेरी दीदी ना शादी के बाद जीजा जी को। रचना तुम भी कुछ सीख लो, वरना देर हो जाएगी। मैं तो आंटी के पास आकर सीख लूंगी। आंटी आप कभी हमारे घर आइए ना। जरूर बेटा जरूर। तेरी माँ मेरी माँ को कभी घर में कुछ नहीं देखी। ये क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस यही पर्सनल बातें। लक्ष्मी अरे रंजन जी पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। आजकल तुम्हारा विजय के साथ उठना बैठना बहुत अधिक हो रहा है, क्या मुझे भी ये समझाने की जरूरत है कि तुम किस खानदान से नाता रखते हो? और वो पापा, विजय एक अच्छे परिवार से है, उसके पिता गजेटेड ऑफिसर हैं, और वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है। ये तुम मुझे समझा रहे हो? मुझे सब कुछ पता है, सरकार की मेहरबानियां हैं सो पर, वरना तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। रहा प्रश्न उसकी होशियारी का, उसकी होशियारी उससे मुबारक। बेटे कॉलेज की दोस्ती अगर कॉलेज तक ही रहे, इसमें हम सबकी भलाई है, जरा अपनी बिरादरी का तो ख्याल रखो। मैंने भी ना जाने से कितनी बार समझाया, छोटी जात करे उत्पात। मुझे तो डर है कहीं इन दोनों की दोस्ती आपके जी का जंजाल ना बन जाए। पर तुम याद रखना बेटा, आज तुम्हें ये सब बातें बुरी लग रही हैं, पर एक दिन आएगा जब तुम ये जान जाओगे कि हम सही हैं, तुम गलत। माँ जमाना आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और आप हैं कि दकियन उसी विचारों का चोला ओढ़े हुए हैं। जरा इस चोले को उतार कर मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करिए। हमारे इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर, वाल्मीकि, गुरु घासीदास जैसे महापुरुषों ने समाज में एक नई क्रांति ला दी है। इनका अतीत भले ही जो रहा हो, लेकिन ये अपने जमाने में ये कुछ ऐसा कर गुजरे जो एक सुनहरा इतिहास बन चुका है। पापा इंसान अपनी जात पात से नहीं, बल्कि अपने संस्कारों और कर्मों से महान बनता है। बेटा तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, आगे जो चीज चाहे वो करो, तुम्हारी मर्जी। अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, तुम अपने विवेक से काम लो। सरिता सरिता जी। अरे मुझे स्कूल की देरी हो रही है, वो साइन पेपर्स और दो फाइल जी अशोक बाबू के हाथ भिजवा देना। अशोक बाबू से कहिएगा कि जल्दी आए, मुझे कथा में जाना है। ठीक है, वो 5-10 मिनट में आते ही होंगे। सर आपसे कोई मिलने आया है। पूरे अंदर भेज दो। जी सर। मे आई कम इन सर? कम इन। सर मैंने केमिस्ट्री की लेक्चरशिप के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। Have a seat. Thank you, sir. Govind. जी सर।
वो अशोक बाबू से कहो कि वो अपॉइंटमेंट लेटर्स की फाइल लेते हुए आए। जी। सर ये रही इनकी फाइल, इसमें इनकी सारी इंफॉर्मेशन लगी हुई है। कहाँ है भाई इनकी एप्लीकेशन? सर ये रही सर, इनके सारे कागजात इसी में अटैच है। अच्छा ओके। आप एमएससी फर्स्ट क्लास हैं? यस सर। और फिलहाल पीएचडी भी कर रही हैं? नताशा ये बताओ कि आप पीएचडी किस कैंडर में कर रही हैं? सर डॉक्टर चतुर्वेदी के अंडर में। डॉक्टर चतुर्वेदी? ओ उनकी तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। ओके और ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं? जी हाँ। नताशा आपका पूरा नाम क्या है? नताशा। ओके ठीक है, अब आप जा सकती हैं। okay, आपको मैं इंटीमेट कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके यस सर। अशोक बाबू। जी सर। आजकल छोटी छोटी जात वालों ने भी इतने बड़े बड़े ख्वाब पाल लिए हैं कि सच पूछो तो मुझे डर लगने लगा है। अब ये हमको पढ़ाएंगे? जी सर। लेकिन मेरे रहते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके बिना तो कोई फाइल यहाँ से वहां हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। रंजन। आंटी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। आंटी रंजन को जल्दी भेजिए, हमें मैच खेलने जाना है। रंजन ये लो, ये आ गया। अच्छा मम्मी मैं चलूं? चलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। सरिता, अरे हमारे साहबजादे कहाँ गए? मैच खेलने गए हैं। मैच खेलने गए हैं? चलो अच्छी बात है, अब आगे का हाल सुनो। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ खुशी की तो बात है, हमारे ऑफिस में एक केमिस्ट्री लेक्चरशिप की पोस्ट खाली थी और उसके लिए एक एमएससी फर्स्ट क्लास लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी। रिजर्वेशन कैटेगरी से थी तो मैंने उसे स्ट्रेट अवे कह दिया यू विल बी इंटीमेटेड सून। अच्छी बात है। अरे खाक अच्छी बात है, आगे तो तुमने सुना नहीं क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं, दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड। अब आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। हाँ ठंडक तो बहुत पड़ी, जरा पानी तो पिलाओ। देखो तुम लोग जरा ठीक से खेलना, अपनी इज्जत का सवाल। हाँ है। यार तेरे से दोस्ती की है तो खेलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी हम लोग कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड हैं और बेस्ट प्लेयर भी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। हेलो आंटी अंकल हैं? हाँ है ना बेटी, सुनिए रचना का फोन है। आया। हाँ बेटी रचना बोलो। अंकल रंजन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? उसे हिंदुस्तान हॉस्पिटल में एडमिट किया है, आप जल्दी आ जाइए। बेटी हम जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। क्या हो गया? अरे रंजन का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो। कहाँ रंजन? रंजन कैसा है? क्या हुआ उसे? डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर साहब
रंजन का तो काफी खून बह चुका है और उसे ब्लड की जरूरत भी है। हाँ देखिए, उसका ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव है। डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप एबी नेगेटिव है। मेरा खून ले लीजिए, उसको बचा लीजिए डॉक्टर। सर, मेरा ब्लड ग्रुप भी एबी नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए, पर रंजन को बचा लीजिए सर। नहीं नहीं, विजय का खून मेरे बेटे को नहीं लग सकता। विजय का खून और मेरे बेटे को कभी नर्स, नहीं। आप एक काम करिए, इन दोनों को ले जाकर ब्लड ग्रुप चेक करवाइए। आइए। डॉक्टर, इनका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना। सर प्लीज ये देख लीजिएगा, मैं बिजी हूँ। दीनदयाल जी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका खून आपके बेटे को नहीं लग सकता, पर हाँ खुशी की बात तो यह है कि विजय का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। विजय का खून? नहीं नहीं, विजय का खून मेरे बेटे को नहीं लग सकता। देखिए मैडम, हमारे ब्लड बैंक में एबी नेगेटिव का खून नहीं मिल रहा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप सोच लीजिए। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना भगवान, तो ही जीवन दाता है भगवान। सरिता, तुम अपने आप को संभालो, कुछ ही बोलने लगती हो। विजय, डॉक्टर साहब विजय का खून ले लीजिए। आइए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान? विजय का खून मेरे बेटे को चढ़ रहा है, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है भगवान। आंटी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अभी तो हमें रंजन की हालत के बारे में सोचना है। ईश्वर ने तो सभी को एक समान बनाया है, ऊंच नीच तो मनुष्य ने अपने फायदे के लिए सोची है, मगर आपको अभी इस सोच से ऊपर उठना है। आप ईश्वर को मानती हैं और सच्ची आस्था रखती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान। अभी चली गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें बाद में इंटीमेट करूंगा, अब क्या बात है? सर, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपने भाई विजय से मिलने आई हूँ। उसके दोस्त रंजन का एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ एडमिट है। अंकल, आप इन्हें नहीं जानते, ये विजय की बहन है, नताशा। क्या, विजय की बहन? विजय तुम्हारा भाई है? जी सर। सरिता, ये अनजाने में भूल मुझसे कैसे हो गई? मुझे मालूम नहीं था कि जिस बहन का भाई मेरे बेटे को जिंदगी देगा, उसी काबिल बहन को मैंने आज रिजेक्ट कर दिया। मेरे उच्च कुल के अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। अंकल, मैंने भी धर्मशास्त्र में पढ़ा है कि ईश्वर ने इंसान को अपने ही रूप में बनाया है और उसी इंसान ने इंसान और इंसान के बीच नफरत और जात पात की दीवार खड़ी कर दी। नताशा बेटी, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, बेटी मुझे माफ कर देना। इस बीमार मानसिकता की वजह से मैंने तुम्हें जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया, पर तुम हताश मत हो, वो लेक्चरशिप की पोस्ट आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। इस भूल के लिए मैं और मेरी पत्नी सरिता माफी मांगते हैं। डॉक्टर, मेरे बेटे रंजन की हालत कैसी है? अब चिंता की कोई बात नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है और उसकी हालत में काफी सुधार है। तो क्या अब हम उससे मिल सकते हैं? बिल्कुल, आओ सरिता, सरिता आओ। रंजन, बेटे कैसे हो? ठीक हो पापा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटे। अंकल, आंटी, आप लोग हमेशा विजय को गिरी हुई नजरों से देखते थे, आज रंजन की रगों में विजय का ही खून दौड़ रहा है और आज रंजन को एक नई जिंदगी मिली है। मैं जिस गलत फहमी में आज तक थी वो मुझसे दूर हो गई है कि इंसान जात पात से छोटा बड़ा नहीं होता,
मेरे जीवन में भी एक नया अध्याय जुड़ा है कि समय सही समय पर इंसान को सही सबक सिखाता है। मुझे बेटा विजय और बेटी नताशा मिल गई। हाँ बेटा, तुम्हारी सोच ने हमारे जीवन में एक नई किरण ला दी है और एक नया सवेरा हो गया।